वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1.32, जिसमें हमने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। तो चलिए इसका पहले हम बेस देख लेते हैं। यहाँ पर इसका बेस देखते हैं। ओके, तो यहाँ दिया गया है क्वांटिफायर। जो क्वांटिफायर है दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, एक है यूनिवर्सल और यहाँ एक्सटेंटिटियल। ओके, जो यूनिवर्सल का साइन ये है और यहाँ पे एक्सटेंटिटियल का साइन ये। यहाँ पे यूनिवर्सल का जो साइन हम यहाँ पे इसे फॉर ऑल जो एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं उसे ये कहेंगे फॉर ऑल। यहाँ पे इस साइन को देयर एग्जिस्ट। तो ओके, इसका जो कैसे यूज़ होगा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे फॉर ऑल का साइन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं ए इक्वल्स टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6 7 8। ओके, मैंने क्वेश्चन लिखा 6 7 8। यहाँ पे मैं सब क्वेश्चन बताता हूँ इसमें। यहाँ पे हमने बोला जैसे कि एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स जो है 5 से बड़ा है, क्या ट्रू है? यहाँ पे सब जो एक्स है मीन्स एक्स दिस, यहाँ पे 6 7 8 है, क्या 5 से बड़े? हाँ ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिटी, और एक बताता हूँ यहाँ पे जैसे एक्स ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़े, यहाँ पर तो 8 ही है, 9 से एक भी बड़े नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। तो आपने समझा यहाँ पर यूनिवर्सल का, और मैं यहाँ पे एक्सटेंटियल का भी एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 6 7 8। ओके, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब है कोई एक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, अगर यहाँ पे कोई एक उसमें से है तो वो रहेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स ग्रेटर स्मॉलर देन 7। ओके, तो एक्स जो बड़ा है 7 से है कोई। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई एक इससे बड़ा है, अगर एक भी रहेगा तो यहाँ पे हम जो एक्स बड़ा है 7 से, जो कोई है यहाँ पे वो 8 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को आपको ऐसे ही आइडेंटिटी करना है। ओके, तो हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे हमें डुअल दिया गया है। यहाँ पे डुअल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डुअल का मतलब होता है द साइन गेट इंटरचेंज, मतलब कि साइन जो बदल जाता है एक दूसरे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने के रूल में। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सा साइन किस में चेंज होगा। यहाँ पे एंड है तो वो किस में इंटरचेंज हो जाएगा, और में हो जाएगा। अगर और रहेगा तो एंड में हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे टोटोलॉजी है तो कहाँ किस में चले जाएगा, कंट्राडिक्शन में। यहाँ पे सी, सी फॉर कंट्राडिक्शन, यहाँ पे टी, टी फॉर टोटोलॉजी। और यहाँ पे ट्रू एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। यहाँ पे ट्रू एक किस में हो जाएगा, फॉल्स में। अगर वो फॉल्स रहेगा तो हो जाएगा ट्रू में। तो यहाँ पर आपको इस साइन ऐसे याद रखने, एक क्वेश्चन में यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सम करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पी, यहाँ पे और एंड साइन डाल लेते हैं, नॉट क्यू। तो हम ऐसा ऐसा इसका लिखेंगे, इट्स डुअल इज। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो साइन है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे पी एस इट हो जाएगा, यहाँ पे एंड का हो जाएगा और। ओके, यहाँ पे एंड का हो जाएगा और हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निगेशन है वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्यों। तो इसका यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं निगेशन। मैंने आपको निगेशन का मतलब बताया, निगेशन का साइन ये है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा निगेशन करने के लिए। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, निगेशन पी, यहाँ पे एंड का साइन क्यू के ब्रैकेट क्लोज। तो इसका निगेशन हम कैसे करेंगे, तो जो साइन रहेगा वो अंदर चले जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा तो डुअल रूल भी इसमें
प्ले करेगा अपना रोल। तो डुअल रोल क्या रहता है, साइन जो रहता है इंटरचेंज हो जाता है। तो हम इसे अंदर लेके जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, और इसका साइन एंड का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अगर एंड का है तो और में हो जाएगा इंटरचेंज, यहाँ पे और हो जाएगा और ए, यहाँ पे निगेशन क्यू के साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा होगा। तो और एक निगेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे निगेशन निगेशन क्यू, इसका और इसका निगेशन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो सिंपली हमें मिल जाएगा यहाँ क्यू। ओके, यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा क्यू। तो इसका कुछ ऐसा था, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया पी इफ देन क्यू, पी इफ देन क्यू। तो यहाँ पे हम इसको जो इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके साइन को तो कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही सेम में कैसे लिखेंगे, ओके, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे निगेशन पी और क्यू। ये आपको याद रखना है, आपको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर यहाँ पे इफ़ देन ओनली की जगह, सॉरी इफ़ देन की जगह हम इफ़ देन ओनली कर दें तो इसका इसमें कन्वर्जन कैसे होगा। तो पी इफ़ देन ओनली क्यू, ओके, यहाँ पे पी इफ देन ओनली क्यू का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट पी इफ़ देन, ओके, इसमें पहले हम करेंगे, पहले इसमें करेंगे इसको कन्वर्ट क्यू, और यहाँ पे एंड का साइन बीच में, यहाँ पे आपको याद रखना और नहीं लगा देना एंड, यहाँ पे जो फॉर्मूला स्टेप्स याद रखने आपको, और यहाँ पे क्यू इफ देन पी, इस याद आप इसका कन्वर्जन इसमें करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट में हम पहले पी इफ देन क्यू करेंगे, उसके बाद क्यू इफ देन पी, ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट आएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसका हम इसमें कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने इसका किया था। तो हम लिखेंगे निगेशन पी और क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंड का साइन, और इसके बाद यहाँ पे निगेशन क्यू और पी, ओके। तो यहाँ पे जो इसका सिंपली जो रूल था वो हमने फॉलो करके इसे सॉल्व किया, बाद में और भी इसके आगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। और यहाँ आपको आगे तीन और दिए गए बेस में कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो हम तीनों को देखते हैं सीरीज से। पहले यहाँ पे हम एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया रहेगा जिसको हमें बोला जाएगा कन्वर्स में करने के लिए। तो कन्वर्स में इसे हम कैसे करेंगे, कन्वर्स से हम इसके पी है उसे फर्स्ट लिखेंगे और क्यू को लास्ट, हम ऐसे कुछ लिखेंगे, देखिए पी इफ देन क्यू। तो यहाँ पे इसका जो सिंपल था सॉल्यूशन हो गया, ओके। और यहाँ नीचे हम इसे एज इट इज़ लिख के इसमें हम क्या कर देंगे, निगेशन लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्यू पी, ओके, यहाँ पे क्यू निगेशन इफ देन निगेशन पी, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे सिंपली इसमें ऐसा इतना ही करना था इनवर्स में। और हम नीचे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पहले आपको कन्वर्ज करना है, उसके बाद यहाँ पे निगेशन लगाना है। यहाँ पे हमने कन्वर्स करेंगे, पहले हम लिख देते फर्स्ट कन्वर्स, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें निगेशन लगाएंगे, निगेशन साइन। तो यहाँ पे हम लिख देख लेते कैसे होगा इसका। यहाँ पे कुछ हमें क्यू पी, तो हम यहाँ पे हमने इसका कन्वर्स किया था, फर्स्ट ये करना है, तो हम लिखेंगे पी इफ देन क्यू, तो हम यहाँ पे आगे निगेशन का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी देख लिया, ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ निगेशन पी इफ देन निगेशन क्यू। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो सॉल्यूशन है वो देख लिया, इसका हम पहले क्या करेंगे कन्वर्स करेंगे, उसके बाद हम उसमें निगेशन लगाएंगे। यहाँ पे हम कन्वर्स निगेशन बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हम 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ देन ए इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम ये सबका हमें ट्रूथ वैल्यू जानना है, ट्रू है कि वो फॉल्स है इसके थ्रू क्वेश्चन के। यहाँ पे जो हमारा मेन है यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9 एंड 11, 12। ओके, फर्स्ट सब क्वेश्चन, द एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट x-8 = 1। तो यहाँ पे पहले हम x-8 = 1 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे माइनस में तो वहाँ पे भेजेंगे, x = 1 + 8 ये क्या हो जाएगा 9 = 9। तो हमने इसे देखा तो ये एक्स से क्या हो, ये बॉक्स में आता है, ए के बिलोंग करता है क्या। यहाँ पे हम देखते हैं हाँ यहाँ पे 9 है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x = 9 सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे हम, सेटिस्फाइज द कंडीशन या फिर इक्वेशन, कंडीशन या फिर हम आप लिख सकते हैं इक्वेशन। देयर फॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्या है ट्रू, अगर इसे सेटिस्फाई करता है तो क्या है ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू है तो टी, सिंपल। यहाँ पे हमने क्या है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन फर्स्ट देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए x² + x इज एन इवन नंबर। यहाँ पे बोला गया है एक्स मतलब हम इन सब का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसके साथ हम इसका एडअप करेंगे तो क्या आना चाहिए इवन नंबर, तो ये क्या है सेटिस्फाई कर पाएगा इक्वेशन को। तो इस केस में हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 3x। ओके, तो यहाँ हम पहले फर्स्ट लेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 करेंगे तो कितना आता है 3 3 3 का यहाँ पे स्क्वायर 9 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये क्या है एक इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है ये। तो यहाँ पे मैंने अभी सब लिख दिया। यहाँ पे हम देखते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो, और 5 प्लस करेंगे तो वो होता है क्या, यहाँ पे 25 + 5 = 30 ये भी 2 के टेबल में आता है, मतलब ये भी इवन नंबर है। यहाँ पे 7² + 7 49 + 7 = 56 ये भी 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे 9² + 9 81 + 9 = 19 जो कि 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे 11² + 11 = 121 + 11 = 132 ये भी 11 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे 12 का स्क्वायर देखेंगे +12 = 144 + 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 ये भी 2 के टेबल में आता है, मतलब ये भी क्या है इवन नंबर है। ये इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सब ट्रू है, ये सब इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू पे ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट टी इफ दिट ट्रू। अब हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x² इज ग्रेटर देन 0 सो स्मॉलर देन 0। यहाँ पे इसका इस साइड मुंह खुला है तो ये बड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे हमें
ये लिखा है तो इसका मतलब कोई एक उसमें रहना चाहिए, मतलब हम इसमें से स्क्वायर करते हैं सबका, अगर किसी एक का भी वहाँ पे हमें ज़ीरो से क्या मिल जाए, छोटा मिल जाए, ज़ीरो से छोटा। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो ज़ीरो से सारे नंबर बड़े, तो स्क्वायर करने पे भी सब बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर ऐसे, दिस स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू वैल्यू इज एफ, एफ फॉल्स तो कैपिटल एफ। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्वेश्चन फोर। यहाँ पे सब क्वेश्चन फोर में लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स इज एन इवन नंबर। यहाँ पे दिया फॉर ऑल मतलब कि सारे जो एक्स बिलोंग टू ए, एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर, मतलब यहाँ पे जो एक्स सारे क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे सारे इवन नंबर है, देखते हैं यहाँ पे जो हमें 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे ये सब तो टी है, 2 के टेबल में नहीं आते, बस यहाँ पे ये आता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जिस्ट आता यहाँ पे हमें दिया जाता, उल्टा ई दिया जाता, ओके मिरर शेप दिया जाता उसका ई का, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट रहता तो ये क्या रहता, स्टेटमेंट ट्रू रहता। बट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे हम दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, जिसे हमने पहले लिखा था, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर इट ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ओके कैपिटल एफ, जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर में, हमने ये सेम क्वेश्चन देखा था उसका भी आंसर फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x+8 इज ग्रेटर देन 40, ओके ये बड़ा है 40 से। यहाँ पे हम पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे हम इसे, यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे हम लेके जाएंगे 3x40-8, तो 40-8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, और यहाँ का 3x, ओके यहाँ पे आपको रफ में सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे जो थ्री हम यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे हमें एक्स की जो वैल्यू है मिल जाएगी, यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो एक्स के वैल्यू है वो यहाँ पे जो 10.6, जो एक्स के वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है सेट है उसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 10.6 से कोई बड़ा है, यहाँ पे 11 है, 12 है, देयर एग्जिस्ट मतलब वहाँ पे एक या फिर दो, तो यहाँ पे है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू, टी कैपिटल टी, ओके यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैंने जो सेट है उसे लिख रखा है, ओके ये हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए 2x+9 ग्रेटर देन 14, तो ओके यहाँ पे हम जिसका पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x+9 ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे जाएगा, तो हमें लिखना है ऐसे 2x>9, 14 माइनस क्या करेंगे हम 9 करेंगे, तो 14-9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2x>, इसके बाद हम यहाँ पे भेजेंगे 2, यहाँ पे x>5/2, 5 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2.5, ओके। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि जो 2.5 से x जो बड़ा है, यहाँ पे फॉर ऑल दिया है मतलब कि सारे के सारे, तो यहाँ देखेंगे 2.5 से बड़ा क्या, हाँ यहाँ 3 दिया है, 5 दिया है, 7, तो यहाँ से सब 3 से बड़े मतलब 2.5 से सब बड़े, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है।
हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, दिस स्टेटमेंट इज, जैसे हमने पहले लिखा था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हम इसे ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं रफ के लिए। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू है तो टी। ओके सिंपल। हम अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। राइट द डबल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि इसमें क्या करेंगे, इसका साइन इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा और रहेगा तो किस में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा तो फॉल्स में, एफ में हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्मॉल टी रहेगा तो यहाँ पे टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और रहेगा एंड में हो जाएगा, ट्रू रहेगा फॉल्स या फॉल्स रहेगा ट्रू, यहाँ पे इसका इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे टोटोलॉजी रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे हम जो इसका सब क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू का वो देखते हैं। यहाँ पे हम इससे पहले एज इट इज़ लिखेंगे या देखते हैं। ओके हमने क्वेश्चन को एज इट लिख दिया, बाद में हमें नीचे लिखना है इट्स, यहाँ पे लिखना डुअल इज। तो ओके अब हम इसका साइन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड का क्या हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एंड दिया है तो उसका और हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंपल है, यहाँ पे बस आप जो साइन है उसको इंटरचेंज करना है। ओके यहाँ पे सब क्वेश्चन टू देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स डुअल इज, यहाँ पे हम पी एज इट इज़, यहाँ पे एंड है तो उसका और, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है एंड है तो भी उसका और। ओके तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं सब क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स डुअल इज, यहाँ पे ब्रैकेट में पी, यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है और एंड है तो क्या हो जाएगा और हो जाएगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे और है तो इसका एंड हो जाएगा, और यहाँ पे एस। ओके एज इट इज़। और यहाँ पे हम फोर्थ देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ में आपको लिखना है इट्स, यहाँ पे जो इट्स डुअल इज़, यहाँ पे आपको सिमिलर फर्स्ट लाइन लिखना है सब में एज इट इज़, या आप क्वेश्चन कॉपी करके आप वैसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने फर्स्ट में बताया था। यहाँ पे हमें पी का पी एज इट इज़, यहाँ पे एंड का, और यहाँ पे निगेशन एट इट इज़ विद द क्यू। ओके तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। लिखना है आपको यहाँ पे इट्स डुअल इज। ओके यहाँ पे आपको सब में ऐसे सिमिलर लिखना है, और यहाँ पे इसका हम सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इंटरचेंज। यहाँ पे पी का एज इट इज़, यहाँ पे क्या है और है तो यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, क्यू एज इट इज़, यहाँ पे क्या है हमें दिया गया एंड दिया गया तो उसका क्या हो जाएगा और हो जाएगा, यहाँ पे इसका निगेशन आर, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका और। तो सिंपली ये सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नीचे सिक्स वन। तो यहाँ पे आपको वापस से लिखना है इट्स डुअल इज। ओके यहाँ पे सब में सिमिलर है, और उसके बाद यहाँ पे हम निगेशन पी का एज इट इज़ लिखते हैं, निगेशन पी, और यहाँ पे एंड का साइन है और हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में निगेशन क्यू, यहाँ पे एंड का साइन है भी और हो जाएगा, यहाँ पे पी, यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एंड है तो इसका भी और हो जाएगा, निगेशन आर। तो ये सिंपली हो गया, सॉल्व हो गया। ओके तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना है सिमिलर इट्स डुअल इज। तो ओके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट निगेशन बार्स ब्रैकेट के पी, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे और दिया तो एंड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है हमें एंड तो इसका क्या कर देंगे हम और कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है और दिया गया तो उसका हम एंड कर देंगे।
यहाँ पे नेगेशन साइन, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या दिया गया, एंड काम कर देंगे और। ओके तो यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट क्लोज से क्वेश्चन सॉल्व। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ पे सी दिया है, मतलब कॉन्ट्रोडिक्शन दिया गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इट्स डुअल इज, ऐसा सिमिलर जिस सब में हम लिखते हैं। ओके तो यहाँ पे इस सी का मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रोडिक्शन का क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी लिखेंगे। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे एंड है, सॉरी और है, तो क्या हो जाएगा इसका, एंड हो जाएगा। यहाँ पे कर्ली बॉक्स, यहाँ पे पी एज इट इज़, यहाँ पे एंड और हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया और दिया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब हम देखते हैं लास्ट सॉन्ग, सेकेंड क्वेश्चन देते हैं, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे 9th वाला। यहाँ पे आपको लिखना है इट्स डुअल इज, ओके सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डुअल इज। यहाँ पे हम करेंगे नेगेशन पी का एज इट इज़, यहाँ पे दिया गया और, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों, यहाँ पे एंड दिया गया है और हो जाएगा। यहाँ पे आर, यहाँ पे एंड दिया गया, इसका भी क्या कर देंगे, और यहाँ पे टोटोलॉजी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके तो सिंपली यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट सम यहाँ पे। ओके यहाँ पे आपको लिखना है सेम सबकी तरह इट्स डुअल इज, यहाँ पे ब्रैकेट पी एज इट इज़, यहाँ पे और का साइन है, यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे और का साइन है, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे सी है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। ओके यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे जो बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हम इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके जब इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किए रहेंगे, और मैं आपसे मिलूँगा मेरे इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।